अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यार मैं इस वक्त बेकर स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और इसके फिर आगे जो है वो ऑर्किड स्ट्रीट है और ऑर्किड स्ट्रीट से फिर हम सब उठ के ग्रीन स्ट्रीट में हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स। अच्छा यहाँ पे ना दो बिजनेस आइडियाज़ मुझे बड़े फंटास्टिक लगे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो पूरी दुनिया में लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें। नंबर वन तो भाई ये चेक करो, ये है प्रीत आ मंगर भाईजान। बेस्ट आइडिया किसी भी चलती हुई रोड पे जहाँ पर टूरिस्ट आते हों, इनके पास जूसेस और सैंडविचेस और क्रोसॉन्स और कॉफ़ीज और हॉट एंड आइस बोथ और जूसेस शेक्स वगैरह सब मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, ये जो रेस्टोरेंट है ना ये बहुत अच्छा चलता है। और इतनी छोटी छोटी मतलब इनकी हैं आउटलेट्स, लेकिन बहुत सारी आउटलेट्स हैं। तो नंबर वन तो ये वाला एक आइडिया बेस्ट है, मतलब किसी भी जगह पर छोटी सी आप लो, बहुत बड़ी आउटलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी आउटलेट लो, हर कॉर्नर पे फैला दो जाल, क्योंकि इसका जाल हर जगह पे फैला हुआ है, मतलब इन्होंने अपनी ब्रांचेस बहुत सारी बनाई हुई है। तो नंबर वन है। नंबर दो यहाँ पर है टेस्को एक्सप्रेस। एक तो बड़ा टेस्को होता है, बड़ा फुल वाला शोरूम जैसे अपने कैरफोर वगैरह इस तरह के टाइप के, एक टेस्को एक्सप्रेस बनाई हुई छोटी छोटी इन्होंने। अब वो छोटी छोटी जो दुकानें हैं ना, वो इतनी बेहतरीन एक समझ लो फिजिबल और कन्वीनियंट लोकेशंस में इन्होंने बनाई हुई। अभी पीछे भी थी, एक तकरीबन 200 मीटर पीछे थी एक दुकान, उन्होंने भी बेकर स्ट्रीट जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर। तो वहाँ पे आप जाओ, अंदर इंटर हो, आपको फुल ग्रॉसरी आइटम्स वहाँ पे नहीं मिलते, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मतलब आपको भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ पे होता है हर बंदा बिजी है भाई, हर बंदा मसरूफ़ है यहाँ पर, और चलते फिरते लोगों को खाना चाहिए। किसी ने कोई सैंडविच पकड़ लिया, किसी ने कोई बर्गर पकड़ लिया, कोई किसी ने कोक पकड़ ली, ये गोरे जो होते हैं दारू शारू अपनी जो भी लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो ये जो बिज़नेस आइडियाज़ दो मुझे लगे ना, छोटी इन्वेस्टमेंट में किसी भी मुल्क के अंदर जो इस तरह का टूरिस्ट पॉइंट हो, इधर तो खैर हर जगह ही, लंदन तो ये, मैं सेंट्रल लंदन हूँ, यहाँ तो सेंट्रल लंदन का भी जो मोस्ट एलीट इलाका है समझ लो ये एवन फील्ड वाला हाइट पार्क वाला, उसके अंदर हूँ। जिस भी इलाके में आप हो, बजाय एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के, जैसे इंडिया की मैं बात करता हूँ, जैसे पाकिस्तान में जो अभी अपने समझ लो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कश्मीर वगैरह है या मरी वगैरह में जिनके हैं, तो बजाय एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर करने के, छोटे छोटे एक्सप्रेस जो आपके काउंटर्स बनते हैं ना, वो डिफरेंट जगहों पे बना दो। इससे क्या होता है, एक तो रिकग्निशन मिलती है, ओ भाई ये तो बहुत जगहों पे है। नंबर दो ये होता है कि जो आपका सेल वैल्यू है ना, जो आपका मार्जिन वैल्यू है वो बढ़ जाता है और इजी टू हैंडल होता है, क्योंकि एक बड़े स्टोर को संभालना बहुत बड़ा काम है, छोटे छोटे 10 स्टोरों को संभालना आसान काम होता है। ये जो लोग काम करते हैं उनको पता है, क्योंकि उनकी सेल, उनकी बाइंग उसी हिसाब से होती है, लिमिटेड होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे सीखी हैं, जो लर्न की हैं। इसके अलावा दो और बड़े बेहतरीन किस्म के बिज़नेसेस मैंने यहाँ पे स्टडी किए हैं, क्योंकि मैं बिज़नेस स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाला समझ लो एक शहर है, और मैं इसमें एज ए बिज़नेस स्टूडेंट यहाँ पर बिज़नेस स्टडी कर रहा हूँ। एक उन कामों में से, मतलब ये दोनों काम बहुत बड़े पैसे बनाने वाले हैं जो मैंने इनके अलावा किए हैं स्टडी, एक उनमें से हराम है जो मैं आपको बता दूंगा लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा, वो नहीं करना आप लोग। एक प्योर हलाल है, और उसको अगर आप नियत से सवाब भी करोगे तो आपको सवाब भी बहुत मिलेगा, लेकिन पैसा उस काम में बहुत है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और दुआओं की दरख्वास्त, मैं यहाँ से लूँगा अंदर, और उसके बाद एवन फील्ड है, और वहीं से मैं निकलूँगा सीधा अजमेर रोड की तरफ, और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, घूमना फिरना चल तो फन तो चल ही रहा अलहमदिल्ला। दुआओं की दरख्वास्त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।